जय श्री राम भक्तों, आज हम आए हैं राम जनार्दन मंदिर में जो उज्जैन के अंगपात क्षेत्र में स्थित है। यह मंगलनाथ के पास में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दो प्राचीन मंदिर है जिसमें से पहला है राम मंदिर और दूसरा है जनार्दन मंदिर। राम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा है और जनार्दन मंदिर में जनार्दन विष्णु की रचना सत्रहवीं शताब्दी की है। दोनों मंदिर अपनी संरचनात्मक कला की दृष्टि से आकर्षक रूप प्रस्तुत करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण राजा जयसिंह ने सत्रहवीं शताब्दी में करवाया था। 18वीं शताब्दी में मराठा काल में बाद में चार दीवारी और टैंक को जोड़ा गया था। दोनों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है श्री राम मंदिर। इस मंदिर की मूर्तियों की खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिनके पैर चलने की अवस्था में है। तीनों मूर्तियों के जो पैर देखेंगे आप तो वो ऐसी अवस्था में है जैसे कि कहीं जा रहे हों। श्री राम यहाँ पे दो दिन रुके थे और ये देखिए, ये है शेषनाग पे लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दीवारें देखिए, पूरा पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही शानदार मंदिर है। जय श्री राम। और एकमात्र ऐसा स्थान जो राम जी के एकदम सामने हनुमान जी विराजमान हैं। जय हनुमान। ये हनुमान जी की प्रतिमा है, राम जी के सामने जैसे बिल्कुल विराजमान है हनुमान जी। जैसे कि शंकर जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शिव जी के मंदिर के सामने नंदी विराजमान रहते हैं, उसी तरह इस मंदिर में राम जी के सामने हनुमान जी विराजमान हैं। तो ये मंदिर आप ज़रूर आइए, बहुत ही शानदार मंदिर है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है जनार्दन मंदिर। अभी हम जनार्दन मंदिर में जाने वाले हैं। ये है जनार्दन मंदिर, ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं जनार्दन मंदिर में। ये देखिए, ये विष्णु जी की प्रतिमा है, बहुत ही बढ़िया। जनार्दन और विष्णु जी की प्रतिमा है, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये भी काफ़ी साल पुराना है, पत्थरों का बना हुआ है बिल्कुल सेम। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक कुंड बना हुआ है जो भी काफ़ी गहरा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है। एक मंदिर और साइड में बना हुआ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर है, बहुत ही बढ़िया। दोनों मंदिरों की दीवारों पर मराठा चित्रों के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। जनार्दन मंदिर के सामने दोनों मंदिरों के साथ साथ तालाब के पास कुछ पुराने चित्र स्थापित देखे गए हैं जो मूर्तिकला की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तालाब के पास गोवर्धनधारी कृष्ण की छवि 11वीं शताब्दी की है। असेंबली हॉल और राम मंदिर के इंटीरियर के बीच स्थापित विष्णु की छवियाँ 10वीं शताब्दी की है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश की छवियाँ 12वीं शताब्दी ईस्वी की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।